31 दिसंबर मेरी बेटी अलीना का बर्थडे, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट अल्लाह ने मुझे अता किया इस दिन पर। तो आज मैं आप लोगों को इस खास दिन पर अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ इस ब्लॉग द्वारा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो है ना, मम्मी ने रात में मुझे सर पे तेल लगाया था, तो अभी सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है और मेरी मम्मी केक बना रही है ऑलरेडी। तो मतलब सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है और अभी मैं नहाने धोने जा रही हूँ, तैयार हो जाऊँगी, फिर बाद में बात कर देखते हैं। हे फ्रेंड्स, तो मैं नहा चुकी हूँ, मेरे बाल भी गिरने लगे। 31 के दिन खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया, भटियार खाने से दोपहर का खाना मंगवा लिया था। तो सब खाना खाने बैठे, हमने दोपहर का लंच किया। वेल, हम सब तो खाना खा रहे थे, लेकिन हमारी इस छुटकी को देखिए आप जरा। आप नहीं खा रहे हो, आप भी बैठो। तो लंच करने के बाद मैंने केक बना लिया और केक को, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये केक बेस है तो इसे ठंडा होने के लिए रखा है मैंने। सो फ्रेंड्स, अलीना अपने बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो रही है। काजल देखिए कितना प्यारा लगाया है, पूरा स्प्रेड कर दिया है, इधर उधर आड़ा टेढ़ा लगाया है। अभी मैं इसको अच्छे से रेडी करूँगी। और ड्रेस देखिए, इसने ज़्यादा तामझाम नहीं पहना है, बहुत ही सिंपल ड्रेस पहना है ना। मेरे को पसंद आ गया तो मैंने पहन लिया। अच्छा, लगाने जा रही है। बच्चे लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। और ये मेरा कॉस्ट्यूम है। सो फ्रेंड्स, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। रेडी होने के बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लीजिए, केक ठंडा हो चुका है, इस पर मैं चॉकलेट गनाश बनाकर डेकोरेट करने का सोच रही थी, लेकिन बहुत लेट हो चुका है, इसलिए मैं मेल्टेड चॉकलेट लगाकर स्प्रिंकलर से इसे डेकोरेट कर लूँगी। तो मेरा ये बर्थडे स्पेशल केक हो जाएगा तैयार। और ये रहा तंदूरी चिकन, इसे मैंने 30 तारीख की रात ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट करके रखा हुआ था। कम से कम इसे अब तक के हो चुके हैं 18-19 घंटे। कोई नहीं, बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाता है अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो, सेफ है। और इसे मैं ओवन में तंदूर करने के लिए ऑलरेडी डाल दिया है मैंने। बाकी इस बचे हुए चिकन को मैं दूसरे बैच में ओवन में डालूंगी। और रात का डिनर भी मैंने बाहर से ही ऑर्डर किया है, इसमें तंदूरी चिकन बिरयानी है और इसमें है सीख बिरयानी और इसमें दम बिरयानी है, क्योंकि जिसे जो अच्छा लगे वो खा सकता है, इसीलिए मैंने बिरयानी भी वैरायटी में ऑर्डर करा है। तो मैरिनेट किया हुआ चिकन ओवन में तंदूर हो रहा है और केक भी रेडी हो चुका है। ये देखिए, अलीना अपने ही बर्थडे का डेकोरेशन कर रही है। बलून्स किस तरह से ब्लो कर रही है, लेकिन बलून्स फुला नहीं रही है, बल्कि ये तो इससे खेल रही है। वैसे मैंने ज़्यादा डेकोरेशन कुछ किया नहीं है, बस टाइल्स पर 20-30 टेम्प्ररी बलून्स लगा दिए। और अलीना के शरारती फ्रेंड्स भी आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ईशा की नमाज के बाद का मैंने टाइम दिया था बच्चों को 8:30 बजे का, तो बच्चे बहुत ही पंक्चुअल है। अब इनका डांस चलेगा, लेकिन इनको एंजॉय कराने के लिए बच्चों के साथ मुझे भी बच्चा बनना पड़ता है भाई। ये देखिए किस तरह से अभी मैं ऊंचा खान करके खूब नाचूंगी इनके साथ, खूब मस्ती करूंगी, ताकि आधा एक घंटा जितना भी हम टाइम स्पेंड करें तो बच्चे जम कर इन्जॉय करें। और आपको पता है, जब भी 31 आता है ना, तो अलीना के सारे फ्रेंड्स को याद रहता है कि अलीना का बर्थडे है। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई आज अलीना का बर्थडे है। मतलब फ्रेंड्स एक दूसरे का बर्थडे याद रखे ना रखे, लेकिन अलीना का बर्थडे सभी को याद है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं बच्चों के साथ इतना ही फन करती हूँ, इतनी मस्ती करती हूँ भाई। एक घंटा तो मतलब ड्रामा चलता है हमारा, नाच गाना ये वो, सॉन्ग्स को लेकर सबसे अलग अलग सॉन्ग्स की डिमांड होती है ना। और मैं आपको बताऊँ, बच्चे हैं ना, जब एंजॉय करते हैं तब बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं सॉन्ग्स को लेकर, सबके अलग अलग सॉन्ग्स की डिमांड्स होती हैं। बच्चों के गानों की फरमाइश सुनकर सर चकरा जाता है, बट जो भी हो बहुत मज़ा आता है सच में। तो सोसाइटी के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने शरारती बच्चों को फन कराने के बाद अब बारी आती है केक कटिंग की। तो अलीना के राहुल भैया ने जो सरप्राइज बर्थडे केक भेजा था ना, उसके बर्थडे पर हमने वही केक कट किया है। और क्योंकि सामान हो चुके थे, बच्चों का डिनर टाइम हो चुका था, इसीलिए हमने क्या किया, बच्चों को जल्दी से स्नैक्स एंड जूस वगैरह देकर फ्री भी कर दिया। और उसके बाद हमारा डिनर टाइम होता है। तो जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसे मैंने तंदूर कर लिया है। ये रहा मेरा ओवन में बना हुआ तंदूरी चिकन, वाओ। अब रात के खाने का टाइम हो चुका था, इसलिए मुझे किचन से फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने खाना वाना गर्म किया, बिरयानी वगैरह जितनी भी आई थी, जो भी आई थी, हमने टेस्ट कर लिया, पेट भर लिया अपना।
तो जो खाने वाने का है ना, वो सब चीज़ें शूट करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो ये देखिए यहाँ पर बंटवारा चालू है दोनों का, है ना? तो मैं आपको ये बड़ा नोट है, बड़ा नोट है, ये मेरा ये कैश मेरा कैश मेरा, इसमें देख एक और नोट है 500 का, वो लिफाफा अंदर रखा है मैंने, तो ये दो लिफाफे साइड करो। अब इसको खोल के देखो इसमें क्या है। ये तेरी फ्रेंड ने दिया है, बता शोमी। अरे दिखा ना अलीना यार यहाँ पर। हाँ आप ही ओपन करना। हैप्पी बर्थडे टू यू अलीना, योर बेस्ट फ्रेंड आयत। वाओ ये आयत ने दी है, चलो इसे ओपन करके देखते हैं। ये पैकेट नए साल में खुल जाएगा, नए साल में खुल जाएगा, जनवरी के। अरे जल्दी ओपन कर। जल्दी खोल, पनवेल आना है सुबह पनवेल निकलना है। वाह ये कुछ कुछ खिलौना है। ओए होए 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 क्ले, क्या बात है, बता 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 बता, शो मी शो मी शो मी शो मी। वाह आयत अलीना की बेस्ट फ्रेंड है और आयत ने अलीना को गिफ्ट किया है क्ले। अलीना इससे क्राफ्ट बनाना, ओके? और ये देखिए इतनी सारी चॉकलेट्स आई है जो कि मैं खाने वाली हूँ, है ना? ये एक चॉकलेट पे तो डाका डल चुका है। हो गया हो गया, अब चल। सब मिल बांट के खा लो। वो देखो देख कहाँ गया किटकैट। मैं तेरी तो अभी हम रख देते हैं, इतनी सारी चॉकलेट्स मैं खाऊंगी महीने भर बैठ कर आराम से। ये गिफ्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगा, अलीना की फ्रेंड ने उसे दिया है, क्रिएटिविटी की है थोड़ी सी, और इसमें रख कर दिया है पेंसिल रबर शार्पनर और स्केल। सो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट पे मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये व्लॉग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ पास में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जैसे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।